तो हेलो दोस्तों, सभी बच्चों में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करना कैसे आप अपने फेसबुक लॉगिन अकाउंट कैसे अनलॉक करना है। मैं बिल्कुल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे उसको लॉगिन से अनलॉक करना है। आपको इस वीडियो को देखना दोस्तों, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ओनली यानी कि कितना 24 घंटे नहीं लूँगा, बिल्कुल 8 घंटे का टाइम लूँगा। 8 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों बिल्कुल आपका जो फेसबुक लॉगिन अकाउंट है वो बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको अनलॉक नहीं होता तो मेरे को फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, अपने भाई को पीछा कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 100% मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों। कैसे देखिए आप फेसबुक अकाउंट क्यों लॉक होता है, जैसे कि आपका अकाउंट कोई मतलब कि कोई अगर अदर मोबाइल में अगर लॉगिन हो जाता है तो फेसबुक ये समझता है कि आपका अकाउंट कोई हैक कर लिया है, इसलिए आपका अकाउंट वहाँ पर लॉक कर देता है। तो उसको कैसे अनलॉक करना है, चलो मैं आपको ले जाऊँ दोस्तों मोबाइल होम स्क्रीन में, आपको दिखाता हूँ कैसे उसको अनलॉक करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो दोस्तों। आप लोग पता मैं सही इंटरेस्टिंग वीडियो को ला देते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप कुछ कंडीशन दोस्तों, आपके फेसबुक में वही जीमेल लिंक होना चाहिए, जो आपके फेसबुक जीमेल लिंक था वही आपके पास होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट बैक हो पाता, तभी आपको वहां से जो अभी मैंने बताया लॉगिन अकाउंट से वहां सीधे आपको कन्फर्म आइडेंटिटी पे आप लगे आ सकते हो। तो कैसे लेके आना है मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना, पहले आपको जाना प्ले स्टोर में, यहाँ दोस्तों आपको सर्च करना है रिकवर अकाउंट। यदि आप सर्च करोगे आपके सामने ए वाला फर्स्ट वाला इंटरफेस आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला, इसको दोस्तों क्या करना आपको क्लिक करना है। जब क्लिक जो क्या करना इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना दोस्तों। आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन आपको दिख रहा है ठीक है, ये वाला बहुत बेस्ट है, बहुत मस्त है काम का। तो मैं यहाँ पर रेटिंग दे चुका हूँ फुल ठीक है। तो क्या करना यहाँ पर आपको ओपन और क्लिक करना है। ये तो आप ये ओपन और क्लिक कर आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल जाए, फिर क्या करना यहाँ पर देखो एक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्या रहा स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। ये तो आप इस पर क्लिक कर दो, फिर क्या करना देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फेसबुक वाला जो दिख रहा है, तो आपको फेसबुक सही करना है या आपका इंस्टाग्राम सही करना है। तो दोस्तों क्या करना आपका फेसबुक सही करना है, दोस्तों क्लिक करूँगा तो क्या कहते हैं क्या करना, तो यहाँ पर दिख रहा है HUS पर क्लिक करना है। तो क्या करना आपको यहाँ आपको बोला कि आपका पासवर्ड सही करोगे या ईमेल, अगर दोस्तों आपके पास आईडी का पासवर्ड भी है तो फिर भी आप वहाँ सही कर पाओगे तो ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल से सही कर सकते हो, या मतलब यहाँ पे जीमेल और पासवर्ड डालना तो यहाँ सही कर सकते हो। तो क्या करना दोस्तों मैं यहाँ पर अदर क्लिक करता हूँ, अदर क्लिक करें तो क्या करना आप चाहो तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप सही कर सकते हो। तो मैं इसमें नहीं करना, आपको सीधे बैक हो जाता हूँ, मुझे पासवर्ड क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, या दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। तो ईमेल एड्रेस यहाँ डालना जाना तो क्या करना आपको सेंड का ऑप्शन क्लिक कर देना है। जब आप सेंडर को ऑप्शन क्लिक करते हो दोस्तों, फिर आपके सामने फिर आपको जो है 24 घंटे के या 24 घंटे 8 घंटे देखे दोस्तों 24 घंटे के अंदर वेट करना है, आपका अकाउंट सीधे वहाँ पटक जाएगा जहाँ मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अकाउंट में यहाँ देखो इस भाई का जो नाम है गुरजीत सिंह नाम है, देखो ये है इसका अकाउंट, ये है योर अकाउंट हैज बी लॉकड ठीक है। इस लॉकड से सीधा आपके रिसॉर्ट को भी ऑप्शन नहीं आएगा, इस लॉकड सीधा आपको सिर्फ कन्फर्म करना पड़ेगा, या मतलब आपके फोटो को पहचानना पड़ेगा, या मतलब अपने दोस्तों के पास एक कोड जाएगा, अगर वो कोड आपका दोस्त अगर दे देता है तो भी आपका अकाउंट बैक हो जाता है। देखो तो यहाँ ले ऑप्शन आपके रिसॉर्ट ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे वहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे और अपने अकाउंट को सीधा ओपन कर पाओगे। तो इस बाइक में सारे यहाँ सब कुछ आईडी पासवर्ड ले लिया हूँ, तो वो सब कुछ अब मैं लॉगिन में कर चुका हूँ, मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ क्या उसकी प्रॉब्लम। यहाँ से अब आपका लेयर मोड क्या ऑप्शन आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चला जाता हूँ मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो इस बाइक ए भी अकाउंट है यही है, तो अभी थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, टाइम ले रहा है, अभी आपके सामने ओपन होने वाला। देखो चलो मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल लॉगिन कर देता हूँ, तो डाल दिया हूँ और मैं यहाँ पासवर्ड लॉगिन कर देता हूँ, तो डालता हूँ पासवर्ड। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, अब देखो यहाँ ए ऑप्शन आ चुका है, मतलब अब आपके सामने लॉगिन किया वहाँ पर डाल के आईडी पासवर्ड, अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन आ गया। यहाँ से ऑप्शन कैसे क्या करना है, देखो क्या करना आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है दोस्तों, कि कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करो आपके सामने कुछ अभी ऐसे इंटरफेस होगा, अभी थोड़ा टाइम लेगा देखो, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी कन्फर्म फोटो वाला चाहे क्लिक करके चाहे आप दो ऑप्शन क्लिक करके दोस्तों अपने फ्रेंड को पहचान के कैसे उसको अपने अकाउंट को बैक कर लेना दोस्त। अगर आपको अपने फ्रेंड को नहीं पहचान पा, क्या करना आपको एक आईडी और बनानी है फेसबुक का, जो मतलब याद तो आपका दोस्त का आईडी हो, तो उसमें क्या करना उसका जो भी नाम आ रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी आपका नाम वहाँ आ रहा है, देखो जिसे कन्फर्म करवाया है, देखो ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक मिनट। देखो जैसे कि देखो ये सारा फोटो मैंने भेजा है दोस्तों, ये मतलब देखो ये जैसे नाम यहाँ पर आ रहा है ठीक है। तो क्या अगर आप यहाँ पर नाम को नहीं पहचान पा रहे दोस्तों, क्या करना आपने अलग एक फेसबुक आईडी बनाना है, अगर नहीं बना तो किसी और अगर फ्रेंड होगा
तो उसके में आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना, आपको सर्च बार में ये सब जो नाम आपको दिख रहा है ये नाम को सर्च कर लेना है। अगर वो नाम जो अगर फोटो का मैच करता है दोस्तों, ठीक है, जैसे वो सर्च करता है तो क्या करना आपको उसी में नाम को सर्च चूज करना चाहिए। आपका पाँच दोस्तों, मैं आप पाँच फ्रेंड को यहाँ पहचान लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्टेप है ना दोस्तों वो पूरा हो चुका है। आप यहाँ कंटिन्यू दोस्तों क्लिक कर, जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड को सही सही पहचान लोगे तो आपका 100% आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा।